नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया, न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। यूपी के कौशाम्बी जिले पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम 5 और 6 दिसंबर को कौशाम्बी जिले के दौरे पर आए। सैयद सरामा पहुंचे प्रदेश चेयरमैन का कार्यकर्ताओं ने माला फूल से स्वागत किया। चायल तहसील क्षेत्र के सैयद सरामा गांव में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि आरएसएस व भाजपा कांग्रेस को कमजोर बताकर दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा साजिश रचकर देश में राज कर रही है। बीजेपी धर्म व जाति की राजनीति करती है। बीजेपी बाबा साहब के संविधान को बदलने की साजिश रच रही है। 2024 में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा बाबा साहब के संविधान को बदल देगी। मुसलमानों को बिना कुछ सोचे समझे अपना हित समझकर काम करना है और मुसलमानों का हित सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है कि हम देश को मजबूत करें। जब तक हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होगा तब तक भाजपा मजबूत नहीं होगी। इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष तमजीद अहमद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण विद्यार्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष तलत अजीम, हंजला उस्मानी, राम सजीवन, निर्मल मोहम्मद, शाहिद सिद्दीकी, मीस बहुल एन, फैसल अली, आदिल जाफरी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, पिछले 6 महीने में मेरा मानना है कि अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी, उनकी पत्नी डिंपल जी और 2 बेटे, उनका फैमिली एल्बम जैसा फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप देख सकते हैं। राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का कोई इस तरह फोटो अगर भाजपा के नेताओं के साथ उनके घर जा कर के मिठाई खाते हुए हो तो दिखाइए। तो संबंध और रिश्ता तो समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए उनके जो सबसे बड़े नेता हैं संसद में, उन्होंने बोला कि उनकी दिली ख्वाहिश है, मुलायम सिंह जी ने बोला था ना कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो संबंध तो उनका है, मुलायम सिंह जी के अलावा तो भारतीय राजनीति में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, प्रियंका जी ने तो नहीं कहा, ना सोनिया जी ने कहा, ना हमारे किसी सांसद विधायक ने संसद में या बाहर कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि वो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये तो झूठ बोलना है, इसको बोलते हैं थेथरई, झूठ भी बोलना और सीधा तार के उसको सही भी साबित करना। तो हर मसले पे अभी आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी के जो सबसे करीबी रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुनील सिंह, जिनका बयान है कि मुसलमानों के कब्रों को खोद करके मुस्लिम महिलाओं की कंकालों के साथ बलात्कार करने का जो उनका आह्वान है मोदी जी के मंच से, उस आदमी को योगी ने निकाल दिया। तो उसको कैच कर लिए योगी अखिलेश यादव जी, उस सुनील सिंह को अपनी पार्टी में लेके आए और वो सवाल उठाएंगे कि कांग्रेस और भाजपा एक पहलू के, भैया तुम तो उनके साथ हो, किस मुद्दे पे नहीं हो? अगर आप उनके साथ नहीं होते तो आप सीए के आंदोलन में समर्थन में खड़े होते, जिस तरह प्रियंका गांधी खड़ी हुई, आप आजमगढ़ जाते, बिजनौर जाते, मुजफ्फरनगर जाते, जिस तरह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी गई। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों में अध्यक्ष भले अलग अलग हों, खासतौर से इन 2 पार्टियों में, लेकिन असली इनके जो गिरोहबाज है वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह इसी तरह नहीं बीमार पड़ जाते हैं, अपनी पार्टी के अलावा 2-2, 3-3 पार्टी चलाना मामूली बात है क्या? वो जो कहते हैं, वो जो चाहते हैं, ये लोग ट्वीट करते हैं, वो लोग बोलते हैं। एक ज़माने में मुलायम सिंह सड़क पर उतरते थे, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। किसके कहने पर खेल रहे हैं? ये कोई छिपी हुई बात है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।